सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। छह माता रानी दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और ऐसे में माता रानी को मनाने के लिए अपनी तरफ से हम हर संभव प्रयास करते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ में तरह तरह की पूजन सामग्रियों का हम इस्तेमाल करते हैं जो माता रानी को प्रिय है। हम कोशिश करते हैं उन प्रिय वस्तुओं को माता रानी को अर्पित कर उन्हें खुश करने की, और जो भी अपनी कामना हो वो हम माता के सामने रखते हैं कि माँ उन कामनाओं की पूर्ति करे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हम कुछ उपाय भी विशेष तौर पर करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं, अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी मुराद वो पूरी करती हैं और थोड़ी सी ही पूजन से वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस दौरान अगर हम कोई उपाय करते हैं इससे भी माता बहुत जल्द हम पर प्रसन्न होती हैं। जो सबसे पहला उपाय है वो क्या करना है? देखिए, धन संबंधी समस्याएं हम सभी को रहती हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन संबंधी कोई समस्या ना रहे। तो नवरात्रों में मौका होता है माता को प्रसन्न करने का। तो माता रानी की पूजा आराधना जब भी आप करते हैं तो आरती में कपूर जरूर जलाते हैं। तो जब आप माँ दुर्गा माँ भवानी की पूजा आराधना कर रहे हो नवरात्रि में, तो आप कपूर जब जला रहे हो उसमें 2 लौंग जरूर डालें आरती के समय, जब भी धूप आप दिखा रहे हो सुबह शाम की पूजा में। ऐसा करने से माना जाता है कि धन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। अब दूसरा उपाय दोस्तों, बहुत साधारण और बहुत सरल उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है एक पान का पत्ता, उस पर आप 2 लौंग रखकर माता को अर्पित करें। अपने दोनों हाथों में पान का पत्ता रखें, उस पर लौंग रखें और माँ को अर्पित करें। ऐसा करने से माना जाता है जब आप अर्पित करें तो अपने मन में जो भी आपके काम है जो नहीं बन रहे हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं उन कामों को बनने में, चाहे वो नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो या फिर घर गृहस्थी से संबंधित हो, नया घर बनाने की चाहत है उसमें दिक्कतें आ रही हो, जो भी बिगड़े काम है, शादी ब्याह के काम में रुकावटें आ रही हो, इस उपाय के करने से सभी काम आपके सुगमता से होते चले जाते हैं। दोस्तों,